हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर सो फ्रेंड्स आई होप आप सभी के एग्जाम्स अच्छे से जा रहे होंगे सो हियर आई एम विद द विद्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ़ एक्सपीरियशल लर्निंग यहां पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे या फिर जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं या फिर रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे ताकि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं वो आपको यहीं से आइडिया हो जाए आई एम श्योर जो पिछले मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्हीं से आपको पता लग गया होगा कि पेपर आपका किस तरह का आ रहा है और क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए थे क्या उसी में से पेपर आ रहा है या बाहर से आ रहा है ठीक है इतना आप खुद जज कर सकते हो मुझे इन क्वेश्चन के लिए बोलने की जरूरत नहीं है सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन आई रिक्वेस्ट यू अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट अपलोड्स सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर वन दैट इज डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सप्लेन इट्स इश्यूज एंड कंसर्न्स देखो बारह नंबर का क्वेश्चन है यानी कि तीन पार्टीशन हो गई इसमें सबसे पहले डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग सपोज तीन नंबर का तो ये हो गया पीछे बचे नौ नंबर एक्सप्लेन इट्स इश्यूज एंड कंसर्न बाकी मार्क्स में आपने इश्यूज एंड कंसर्न्स को एक्सप्लेन करना है तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का देते हुए इसकी इसकी डेफिनेशन बताओगी ठीक है या फिर ओरिजिनेशन क्या इसका मेन मोटिव क्या है एक्सपीरियंशियल लर्निंग दैट स्टूडेंट्स लर्न बाय एक्सपीरियंस लर्निंग बाय डूइंग कानेस्थेटिक लर्निंग ये सारे वर्ड्स आपने यूज करने हैं इसके कॉन्सेप्ट में ठीक है जी सो नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द रोल एंड एंडबिलिटीज ऑफ हेड मास्टर्स फॉर कम्युनिटी इन स्कूल मैटर्स सबसे पहले रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हेड मास्टर अब हेड मास्टर है आपको टीचर्स की भी पूछी जा सकती है ठीक है दिस इज नॉट लाइक की इंपॉर्टेंट यही है या फिर टीचर्स का है तो दोनों में से कोई भी आ सकता है अगर इस पर आपको क्वेश्चन आया तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हेड मास्टर फॉर कम्युनिटी इन स्कूल मैटर्स यानी कि कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी की तरफ हेडमास्टर का क्या रोल या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नेक्स्ट इज हाईलाइट द रेफरेंस ऑफ वर्क एजुकेशन एट सेकेंडरी स्कूल एज अब देखो वर्क एजुकेशन क्या होता है कि बच्चे जो आगे जाकर कुछ काम कर सकते हैं तो वो उसका हर चीज का थोड़ा थोड़ा ट्रेलर बच्चों को सेकेंडरी स्कूल स्टेज में ही दे देना फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड क्राफ्ट है या फिर कोई भी स्पेशल uh, काम होता है जिसमें बच्चा एनरोल करना चाहता है तो उसका थोड़ा सा ट्रेलर सेकेंडरी स्कूल स्टेज में दे दिया जाता है कि, क्योंकि तब बच्चे इतने बड़े हो सकते हैं हो जाते हैं एक्चुअली कि वर्क एजुकेशन को वो समझ पाए सो so, इसी का रोल हमने बताना है हाईलाइट द रेफरेंस ऑफ वर्क एजुकेशन एट सेकेंडरी स्कूल स्टेज पहले तो आप वर्क एजुकेशन के बारे में बताओगे फिर इसका बेसिकली यूज या फिर यूटिलिटेरियन वैल्यू क्या है इसकी सेकेंडरी स्कूल स्टेज के लिए वो चीजें आपने इसमें बतानी है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एक्सपीरिएशियल लर्निंग विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन इम्पॉर्टेंस क्या है एंड स्कोप क्या है दो क्वेश्चन आपको पूछ लिए तो स्टार्टिंग आप करोगे एक्सपीरिएशियल लर्निंग की इंट्रोडक्शन से फिर आप हेडिंग बनाओगे इंपॉर्टेंस की इम्पॉर्टेंस लिखकर पहले पॉइंट्स बताओगे क्योंकि डायग्राम हमने बनानी बनानी है क्योंकि हमने मार्क्स अच्छे लेने हैं ठीक है थीके? फिर ईच एंड एवरी पॉइंट को इस तरह से पॉइंट लिखा फिर उसको इलाबोरेट किया फिर सेकेंड पॉइंट लिखा उसको इलाबोरेट किया देन स्कोप भी इसी तरह से आपने करना है डायग्राम बनाओगे फिर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे एंड देन फाइनली योर आंसर विद अ कंक्लूजन विल बी द प्रॉपर एंडिंग ऑफ योर आंसर ठीक है नेक्स्ट देखिए डिस्क्राइब द कॉजेज एंड रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो ग्लोबल वार्मिंग की इंट्रोडक्शन दोगे फिर दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉजेज एंड रिलेटिव इफेक्ट्स क्या कॉजेस हैं फिर उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं ठीक है किस कारण है और अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो उसका रिजल्ट क्या होगा उसके नतीजे क्या होंगे कहां पर क्या चेंजेस आएंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा दोनों चीजें बतानी है सो ऑल इन ऑल तीन क्वेश्चंस आ गए बेसिकली इसमें इसकी इंट्रोडक्शन आ गई फिर इसके कॉजेस हो गए और रिलेटिव इफेक्ट्स हो गए देन एक्सप्लेन एनर्जी क्राइसिस एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट इज इट ठीक है एनर्जी क्राइसिस क्या है इसके बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तीन से चार नंबर का समझ लो एनर्जी क्राइसिस है उसके बाद जो बाकी मार्क्स बचे हैं वो होगा सेंसिटाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट इट ठीक है अब देखो मार्क्स जैसे टोटल आपको पता है कि ये बारह नंबर का आपका क्वेश्चन है बारह नंबर के क्वेश्चन में अगर तो उन्होंने पार्टीशन बताई है कि इतनी पार्टीशन आपकी इस क्वेश्चन की है इतनी पार्टीशन इस क्वेश्चन की है तो उसी अकॉर्डिंग आप कंटेंट ज़रूर लिखना लाइक अगर फोर मार्क्स का आपको एनर्जी क्राइसिस बता दिया तो फोर मार्क्स का ही कंटेंट लिखना यानी कि डेढ़ पेज डेढ़ से आ, समझ लो डेढ़ या दो पेज आपने एनर्जी क्राइसिस के ऊपर लिखने है। ये मत सोचना कि एक पेज में तीन से चार नंबर का कंटेंट लिखा गया ये चीज थोड़ी आपने ध्यान देनी है ठीक है अगर आपको डायरेक्टली ट्वेल्व मार्क्स बोले हुए हैं फिर आप अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत इसको कर सकते हैं नेक्स्ट इज वॉट टाइप ऑफ पैडागोजिकल स्ट्रेटजीज कैन बी एम्प्लॉयड फॉर मेकिंग करिकुलम करिकुलट टू द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन करिकुलम रेलिवेंट टू द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन यानी कि जो पढ़ाया जाता है जो करिकुलम स्कूल में अप्लाई uh, होता है करिकुलम क्या होता है दैट इज नॉट सिलेबस करिकुलम में सारी वो एक्टिविटीज आ जाती हैं वो एक्सपोजर आ जाता है जो बच्चों को स्कूल में रहते हुए मिलता है चाहे वो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं कोई आपकी कोर्स बुक्स हैं आपका पीटी पीरियड है गेम्स पीरियड है आर्ट एंड क्राफ्ट है वट एवर थिंग चाइल्ड एक्सपीरियंसिस ड्यूरिंग द सेवन और एट आवर्स ऑफ देयर स्कूलिंग ठीक है सिक्स आवर्स जितना भी टाइम होता है वो सब कुछ क्या है करिकुलम है वो बच्चे की लाइफ में क्या उसका यूज़ रहेगा वो चीज़ हमने यहाँ पर बतानी है पैडागोजिकल स्ट्रैटेजीज बतानी है और ये क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगी डेफिनेटली ठीक है कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्योंकि मैंने एक ही वीडियो ली थी इस पर और दो वीडियोस अभी बाकी हैं जो हो सकता है आज या फिर कल मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट डिफाइन द टर्म क्लाइमेट चेंज राइट इट्स इटेज एंड कंट्रोल मेजर्स क्लाइमेट चेंज क्या है उसके कॉजे बताने हैं एंड कंट्रोल मेजर्स बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ा है ठीक है तीन क्वेश्चन है बेसिकली इसमें पहले तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना है फिर उसके कॉजेज हैं फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके मेजर्स बताने हैं नेक्स्ट इज डिस्कस रिफ्लैक्शंस ऑफ एजुकेशन फॉर लाइफ एंड थ्रू लाइफ इन करिकुलम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है इसको आपने एजुकेशन फॉर लाइफ एंड एजुकेशन थ्रू लाइफ एजुकेशन फॉर लाइफ यानी कि एजुकेशन लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है ठीक है एजुकेशन लाइफ के लिए एजुकेशन थ्रू लाइफ मीन्स जिंदगी जीते जीते हम जो चीजें सीख लेते हैं जैसे छोटा बच्चा उसको कोई लैंग्वेज uh, थोड़ी सिखाता है जो घर में बोली जाती है कोई सिखाते कि ये हिंदी है या पंजाबी है लेकिन बच्चा वही लैंग्वेज बोलने लगता है दैट इज थ्रू लाइफ ठीक है आप सोसाइटी में रहते हो कितनी चीजें आपको आपको सीखने को मिलती हैं ड्रेसिंग सेंस हमें पता लगती है कि लॉन्ग शूज कौन सी ड्रेसेस के साथ पहने हैं। या फिर ब्लैक कलर को किस चीज के साथ कंबाइन करना है दैट वी लर्न विद आवर एक्सपीरियंसेस आवर इंट्रैक्शन विद द सोसाइटी ठीक है ये है एजुकेशन थ्रू लाइफ जो हमें जिंदगी सिखाती है चीजें बाकी इस पर डिटेल में बहुत अच्छे से मैं वीडियो बना चुकी हूँ तो वहां से इसको बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं और कंटेंट तो डेफिनेटली आप लोगों को वहां से मिल जाएगा वट टाइप ऑफ करिकुलम डू यू सजेस्ट फॉर एजुकेशन फॉर लाइफ एजुकेशन फॉर लाइफ के लिए क्या करिकुलम आप सजेस्ट करेंगे और साथ ही में इसको सपोर्ट करती हुई कुछ एग्जाम्पल्स भी देनी है यानी कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इसमें फ्रेम आउट करनी है देन द फाइनल क्वेश्चन इज हाउ कैन वी सेंसिटाइज सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स रिगार्डिंग पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी भेदभाव और जो गरीबी है ठीक है पॉवर्टी एंड इनवालिटी इसके लिए बच्चों को किस तरह से हम सेंसिटाइज कर सकते हैं एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स यहाँ पे अपने सिचुएशन बतानी है या फिर कोई मेजर्स बताने हैं जिसके थ्रू स्कूल कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकता है ठीक है स्पेशल विजिट्स करवा सकता है या फिर जो भी इसके अंडर मेजर्स आएंगे वो सारी चीजें इस क्वेश्चन में आपने डिस्कस करनी है देखो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके लिए मैं डीपली यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही करी हूं। लेकिन बता रही हूं कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट किस तरह से करना है सो so फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं कंप्लीट और वीडियो को आपको पता है क्या करना है लाइक like और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो चिल दैन की वॉचिंग